कबीला बखर है, तहसील दरिया खान है, मोहल्ला तेलियाँ वाला है, मशहूर है। इधर बहुत अरसे से इधर रह रहे हैं हम। इधर कोई काम देखो तकलीफ में पड़े हैं। वोट साफ नुमा चीज में कितने लोग गिर चुके हैं अभी तक? कम से कम तकरीबन 10% लोग गिर चुके हैं और काफी लोग जख्मी भी हो चुके हैं। अगर आइंदा कोई भी जानी या माली नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार है हमारे कमेटी होगी जो इंतजामिया यहाँ की। बाकी कोई नुकसान हुआ तो उसको हम ठेकेदार को भी मेंशन करेंगे। सारे मोहल्ले वाले हम इकट्ठा होकर हम इंतजामिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे और जो यहाँ पे ठेकेदार है उसके खिलाफ। गली देते गटर बंद थे पेन कम अज कम 2 साल को बंद ही नाई दे नहीं पूरे मोहल्ले से कम अज कम 3 दफा 150-200 बंदा मुजाहिद दे बुए टुर के गए मिन्नत की थी पिछले सारे मोहल्ले से बड़ भरे रहे तो मेहरबानी कर सब गटर खुलवा दे आज आंदा पिया तो कल आंदा पिया 2 साल को गटर बंद ना खीर कर सड़क असा तो मिट्टी सड़क बंद करा चार महीना जे दे कोल वेने ओही का ते साकू बाउंड नी वेदी ते बिया ते साकू बाउंड नी वेदी ओ दी तक है ये ते साकू नी समझन दे सके कु दी ते तो ना पे नी बने ते समझ जांदी नोट पी जाई आलो कोल वेने उना के तू साकू नी वेदे ते नून ली गाल कोल वेंदे उना के तू साकू नी वेदी जैसा जो सारा जो कम से कम 1350 वोट है सके इंसान को क्यों लो जी आपका मसला हल हो गया। क्या मसला? मैं कुछ समझी नहीं। आपकी शादी में लेडीज की वीडियो अब लड़की ही बनाएगी। कैसे? अभी अल सईद कंप्यूटर वालों से होकर आ रहा हूँ, उनके पास फैमिली वीडियो के लिए फीमेल की सहूलत है। रियली? अल सईद कंप्यूटर्स मूवीज एंड फोटो स्टूडियो, DI खान रोड, दरिया खान भक्कर, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर एंड प्रोफेशनल वीडियो एडिटर M. सईद बिशारती। For contact 0346-7578-992। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नीरज रेहान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान सनानाज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सावन की झड़ी लगते ही जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं बहुत सारे लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी गली में, अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो एक बड़ा शगाफ पड़ चुका है और यहाँ पर बुज़ुर्ग, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग गिर जाते हैं, यहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बारिश का पानी इस हद तक बढ़ जाता है कि घरों में भी दाखिल होना शुरू हो जाता है। तमाम तर चीज़ें जानेंगे इन्हीं की ज़बानी और देखेंगे कि इसके अलावा इनको किन मुश्किल का सामना है, आखिर इन्होंने वोट किसको दिया और क्या वो अपने वादे पर पूरा उतर भी रहे हैं या नहीं। वालेकुम सलाम। कैसे बाजी? ठीक ठाक बाजी। सर ये बताएंगे इस गली का क्या नाम है, इस मोहल्ले का नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे। ये ज़िला बखर है, तहसील दरिया खान है, मोहल्ला तेलियाँ वाला है, मशहूर है। इधर बहुत अरसे से इधर रह रहे हैं हम। इधर कोई काम देखो तकलीफ में पड़े हैं। वोट सबको देते हैं हम। इस टाइम आपने वोट किसको दिया? इस टाइम ये सब भिरा है, सबको वोट दिए हैं दोनों पार्टियों। सर आपका वोट तो एक था, वोट किसको दिया? वोट दिए हैं बल्ले को। अच्छा। और बल्ले वाले बोलते थे इसके बाद हम काम कराएंगे, कोई काम नहीं हुआ। तुम्हारे सामने है कि ये बहुत गरीब मोहल्ला है, इसमें कोई नौकरी वाला नहीं है, अनपढ़ है। तो ये हुकूमत से हमारी अपील है कि बहुत अरसे से हम दबे हुए आ रहे हैं, हम मुसलमान हैं, तकलीफ में गुजरते हैं। इधर हमारे घर हैं, बच्चे बाल सब, इनको मेहरबानी थी वने। हुकूमत से अपील करते हैं कि ये हमारी जल्द से जल्द गली बनी वने। बहुत शुक्रिया। वालेकुम बेटी वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। बाबा ये बताएंगे कि सबने बाकी ये तो बता दिया कि यहाँ पे क्या मसला है, ये बताएं पानी किस हद तक यहाँ इकट्ठा होता है? बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होता है। मोहल्ला मोमनाबाद, दरिया खान, तिल्ला बकर, तकरीबन जब भी बारिश होती है तो पानी इतना होता है कि गुजरने का रास्ता नहीं होता और गलियां नहीं बनी, अभी तक गलियां नहीं बननी चाहिए। इस शगाफ नुमा चीज में कितने लोग गिर चुके हैं अभी तक? कम से कम तकरीबन 10% लोग गिर चुके हैं और काफी लोग जख्मी भी हो चुके हैं इसमें। कोई
कोई ऐसा वाकया जिसमें सर फटा हो या कोई बड़ी चोट लगी हो? काफी लोगों की टांगे टूटी हैं किराना, लेकिन लोग कोई भी असरअंदाज बहुत लोग ज्यादा होते हैं किराना, और कोई इधर पूछने वाला नहीं है। वोट का मसला जो है, वोट हमने बल्ले को दिया है किराना, और जिससे पूछते वो कहते आपने बल्ले को दिया या नून लीग वाले को वोट दिया। इधर अपना अफरा तफरी मची हुई है। इधर ये बताएं आपको यहाँ का काउंसलर कौन है? काउंसलर किराना ख्याल है ना, मुजाहिद अब्बास। तो मुजाहिद अब्बास ने आपसे वोट लिया है, तो अब आप उससे कहें ना कि वो काम करवाए, नहीं करवा रहे? मुजाहिद अब्बास अब टकाया नहीं, हमने उसको बोला है भाई गली का बंदोबस्त करेंगे, वो कहते हम बना देंगे, लेकिन कम अज कम शाबान के महीने में ये काम शुरू है। अभी तक जो है सर शाबान के महीने में तो काम चले जो भी है, लेकिन इस टाइम आपको फौरी तौर पर तो इस गड्ढे को भरना है, इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? हम इसको कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि भाई जल्द तो जल्द बंदोबस्त करेगा। सर आपके काउंसलर क्या कहते हैं? आपने कहा मुजाहिद साहब यहाँ के काउंसलर है, वो क्या कहते हैं इस टॉपिक? वो कहते हैं 2-3 दिन तक बन जाएगा, लेकिन 2-3 दिन तक कब बनेगा? शाबान का महीना शुरू हुआ, अभी तक 3 माह हो गए, कब तक गली का बंदोबस्त नहीं हुआ? कहना कब बात की थी आपने? अभी तकरीबन कल परसों बात उससे हुई है। कल परसों बात हुई है, तो 2-3 दिन तो हो गए जी। तो काम शुरू हुआ? अभी तक काम तो नहीं शुरू हुआ क्या। चलें सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये बताएं यहाँ की के जो इलाके वाले मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा काउंसलर मुजाहिद साहब हैं, जबकि उन्होंने वोट बल्ले को दिया, ये क्या सीन? क्योंकि ये मोहल्ला है, हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई बल्ले को वोट देगा, कोई शेर को वोट देगा। हम निवानियों के साथ हैं, हमने शेर को वोट दिया है। उसके बावजूद भी हमारे अहलियान मोहल्ला गए मुजाहिद अरे के पास, बकौल मुहाने मोहल्ले वालों का, तो ये गए तो मुजाहिद अरे भाई ने कहा कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपका काम नहीं कराते। जब वो कौंसलर बने थे तो हमने उसको कहा था कि जो भी मसला मसाइल हमारे इलाके का, हमारे मोहल्ले का होगा, तो आप हमारे नुमाइंदगान होंगे। इसके बावजूद भी वो हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं करे। आप ये पीछे जगह देख सकते हैं, इस पर काफ़ी बुजुर्ग भी गिर चुके हैं, साइकिल भी गिर चुके हैं, मोटरसाइकिल भी गिर चुके हैं। आप साथ वाले घर भी देख लें, इनमें काफ़ी शगाफ पड़ चुके हैं। तो अगर आइंदा कोई भी जानी या माली नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार हमारे कमेटी होगी जो इंतज़ामिया यहाँ की। बाकी कोई नुकसान हुआ तो उसको हम ठेकेदार को भी मेंशन करेंगे। खुदा ना खासा नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा अगर यहाँ पे वाक्य रोनुमा हो जाता है, कोई मकान गिर जाता है, मकान गिरने की वजह से कोई ना कोई बंदा यहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है, तो उसको सारे मोहल्ले वाले हम इकट्ठा होकर हम इंतजामिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और जो यहाँ पे ठेकेदार है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। सर आपने तो नून लीग यानी निवानी इसके काउंसलर के बारे में बता दिया, चले वो हार भी गए हैं, पीटीआई के काउंसलर्स आपको क्या कहते हैं? पीटीआई के काउंसलर के पास गए नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो टेंडर था वो निवानी दौर का टेंडर मंजूर था, तो साइन भी उन्हीं काउंसलर ने किया था। अच्छा। तो उन्हीं की बिहेव से, उन्हीं के सिस्टम से सारा निजाम चल रहा है। वो इस टाइम इनकारी है? वो इस टाइम इनकारी है, अपने वादे से इनकारी, अपने वादे से भी। क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पैगाम ये देना चाहेंगे कि जब आप वोट मांगने के लिए आते हैं, डोर टू डोर कंपेन करते हैं, तो खुदा रहा ये सारी गरीब अवाम है, इनका आप ख्याल करें, ये भी आपके वोटर हैं, ये आपके सपोर्टर हैं। अगर आज आप इस लेवल तक गए हुए हैं तो ये सारी इन लोगों की मरहून मिन्नत है। अगर आप लोग इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, इनको ऊपर लेके नहीं आएंगे, तो नेक्स्ट आप इस सीट की उम्मीद ना रखें। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर जो हालात चल रहे हैं उसमें? सारा निज़ाम हर कहते सामने को लुकी छुपी गल को नहीं, खड्डे लगे पे, टोए लगे पे, आंदा वेंदा कहता बाल ठांदा पे, कोई वड्डा ठांदा पिए मुजाहिद करो पर सारे नुक्कर ते गली ते गटर बंद थे पे, कम से कम 2 साल को बंद दिन आई दे नहीं। अच्छा। पूरे मोहल्ले ते कम से कम 3 दफा 150-200 बंदा मुजाहिद दे बुए ते टुर के गए, मिन्नत की दिए बिदले सारे मोहल्ले ते वड वडे रहे, को मेहरबानी कर सब गटर खुलवा दे। आज आंदा पिया ते काल आंदा पिया 2 साल को गटर बंद ना, खीर का सड़ जैसा ता मिट्टियां सड़ के बंद कर। सर आज तो उनकी हुकूमत नहीं है, जितना आप लोगों के मतलब मोहल्लेदारों ने हमें बताया, आज तो उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन इन इलेक्शन से पहले तो निवानी इसकी हुकूमत थी, क्या उस दौर में भी उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं करवाया बिल्कुल, 2-3 दफा गए हैं उसके बुए थे, उसकी मेहनत की थी, अभी मोहल्लेदार है सारा वार वगैरह सारे तरफ दू है। मुजाहिद साहब जी हाँ, मुजाहिद साहब मुजाहिद को 2-3 दफा गए हैं, एक बंदे नहीं गया, कम से कम 100-150 बंदा कट्ठा थी के गए। बस आज तक आज तक 2 साल गुजर गए, रुपए तक छड़े गटर ही नहीं खुले। आपने बड़ी पार्टीज के पास जाने की कोशिश की? नहीं की। आपकी सुनी नहीं गई या आपने जाने की कोशिश नहीं? सारे वरवरे रहे जो मुजाहिद अब्बास। अगर मुजाहिद नहीं सुनेगा तो क्या आप अपनी यही जिंदगी तबाह तो नहीं कर सकते? आपने बड़ों के पास जाने की कोशिश क्यों नहीं की? बस अभी तक तो नहीं की।
तो फिर करने की कब तक इरादे हैं बस अब अगर नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, खैरियत। सर ये बताएं कि तमाम लोगों के जबानी हमने बाकी तो जितनी भी शिकायत थी शिकवे थी सुन लिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? गाल ये है ना भाई, साढ़ा ये 35-30 साल तो मौला कदीमी है, ठीक है, इस बिच सारे को हर किस्म का सियासी आया वोट मंगने वास्ते, हर किस्म का सियासी ये सारे को पहली तक गाल है तो खंबा चेक किया भाई 50 साल तो पुराना मोहला ही खंबा लगे हाले तक वो खंबा खड़ा है, इतना ना को बिजली का दर निज़ाम है कुछ है भी कहा नहीं। उस तो बाद असा इन्होंने मना किया भाई अगर तुम सैवरे चला संगे वे तो ये गड्ढे सड़क सारी बनो, सड़क सारी बहुत पुख्ता सड़क है, इन अगर असा तो आपको एक काम 15-10 जने के अंदर करके देसूँ, हूँ इस काम को तकरीबन 3 महीने थे पैन हाले तक जोड़ा है ना ये सड़क उन्हें दी पट्टी पई है, हूँ बारिश आई है अस आप सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे थी के असा जोड़ा है ना कई चाह के गंदियां बचाइन मकान ही बचाएं। अच्छा मिम्बर चेयरमैन जैसे को वही कहा तो साकू पाउंड नहीं वेरी बी आ तो साकू पाउंड नहीं वेरी इतना तो साकू नहीं समझ आते कह कुछ दीते मुश्तरका मोहल्ला कुछ पीटीआई दे पासे ने छी वार्ड है मकसद नून लीग दे पासे ए बल्ले दे पासे इको मोहल्ला है लेकिन इसी चीज नून लीग का काम कोई तो कराए ना काम तो सारा का मकसद है ना भी इस गाल मैं गाल करें दा पिया ना भी सियासियों का काम है ना काम करावना हूँ अस वे वे सियासियों को वनू तो बातें आखन सारे को पुछते नहीं वे हूँ अस इन्हें बूहे से वहन तो आखिर तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आप उन्हें लास्ट बॉन्ड करें कि अगर आप मुझे नहीं बता रहे तो हम बड़े अस उन्होंने को आखिरी दफा है मुजाहद न सारी गाल बात चलीए मुजाहद है कि अच्छ 10 बजे तक थोड़े खड़े भी बरीच वैसन 3 दिहाड़ा तो उस मंगे टाइम सारे को भाई 3 दिहाड़ा के अंदर थोड़े को रोड़ा मोड़ा हर शे सैटिंग असा करके दें दे पाए अगर 3 दिहाड़ा बाद सारे काम नहीं थींदा तो वह तो इंशाल्लाह उतना वजन की कोशिश करे सू बड़े सियासत नाल भी किसको कहा है मुजाहिद साहब ने अभी कुछ मोहल्लेदार ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं नहीं वो गलत फहमी है उन्होंने मुजाहिद साहब तो कोई गाल को नहीं सिर्फ गाल यह थी भाई मुजाहिद यह कल भी मुजाहिद का भाई साहब जड़े थरी है ठीक है ना वो उन्हें चाह पानी भी दिते गटर बंद आई उन्हें कठा दिता है हूँ मुजाहिद ना रब की उन्होंने फौत की थी उस आगे मैं 2-2.5 घंटे तक पहुँचता पियाँ ठीक है ना उस तो बाद उस रूह दिहाड़े सारे को मंगे असा मुजाहिद को यह आते ही आते हैं भी तू रूह दिहाड़े के अंदर अंदर सब कुछ है ना काम फाइनल कर दे जो मजीद बारिश आई तो हूँ पानी सारे घर के बीच वड़ सी ठीक है ना सब कुछ भी कहने मकसद नहीं है ना नूली को जानते ना पीटीआई को जानते हैं साडा मिम्बर है मुजाहिद साडा वास्ता पौंदा इस दे नाल साकू काम ये करा के देवे भावें जेड़ी पार्टी का भी है सारे को मुश्तरका सारा निज़ाम असा पीटीआई वाले भी पाए नून लीग वाले भी पाए तमाम तरह आपका पैगाम सिर्फ मुजाहिद साहब के जी हाँ मुजाहिद साहब को सारे पैगाम है भी तू मेहरबानी कर साकू रू जड़ा तो टाइम दिता रू जड़ा अंदर सारा निज़ाम फाइनल कर क्यों जो सारा जड़ा है ना ये हूँ बई बारे शां दिया था ये मकान सारे खत्म थी सारे जी हाँ सारा पानी अंदर वड़ गई है इतों पानी निकले सारा अंदर वड़ गई पानी वन टू बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।